हेलो क्लास सेवन, मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर। आज आपके लिए 2.5 एक्सरसाइज लेकर आई हूँ जो कि डेसिमल्स की है। तो डेसिमल्स हमने 5th-6th क्लास में किया है, ऐसा नहीं है कि किया नहीं किया। तो डेसिमल्स हमने 5th और 6th क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है। मैं इंट्रो के साथ आपको फटाफट से इसको समझाना शुरू कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज ग्रेटर। ग्रेटर कौन सा है, हमें इनमें से ये बताना है। तो मैं आपको पहले समझाती हूँ फिर कराती हूँ। डेसिमल्स में ग्रेटर बताने के लिए, ग्रेटर बताने के लिए डेसिमल्स में हमें कुछ नहीं देखना होता, हमें नंबर्स देखने होते हैं। ठीक है, नंबर्स में क्या देखना होता है कि कौन सा नंबर पहले आ रहा है। जैसे अभी आप ये छोड़ो, एग्जांपल देखो, एग्जांपल है ये, जैसे 0.1-0.7। ठीक है, अब आप देखो कि पहला नंबर यहाँ जीरो है, यहाँ भी जीरो है, इसको कट कर दो, सेम है दोनों। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं, ये 1 है और ये 7 है। ठीक है, तो 1 और 7 में से कौन सा बड़ा होता है, 7, तो हमारा नंबर आ गया 7 वाला बड़ा। और एग्जांपल देख लो, 0.01। ठीक, अब देखो -0.017, ऐसे 10 कर लेते हैं। अब देखो पहला नंबर जीरो है, पहला नंबर जीरो है, दोनों काट दो, सेम है क्योंकि। ठीक है, दूसरा नंबर जीरो है और यहाँ दूसरा नंबर 1 है, तो 0 और 1 में से कौन सा बड़ा हो गया। हमने नेक्स्ट नंबर पे जाना ही नहीं है, जो सा पहले बड़ा आ जाएगा ना नंबर वही बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो गया। अब देखो 0.034 ब्रैकेट और 0.04378। अब ये इतना बड़ा नंबर है और ये छोटा सा नंबर है। अब देखो इनमें से कैसी है, पहला नंबर जीरो है, जीरो है, कट कर दो, दूसरा भी जीरो है, सेम है, इसको भी कट कर दो, तीसरा नंबर देखो ये 3 है और ये 4 है, तो बड़ा कौन सा हो गया, 4 वाला। हमें पीछे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, जो सा नंबर पहले बड़ा आएगा वो बड़ा हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखो, 0.08 और यहाँ पर 9.71। अब ये यहाँ पर 0 है पहला और यहाँ पर पहला 9 है, यहाँ पर पहला 0 है और यहाँ पर पहला 9 है, तो बड़ा कौन सा हो गया, ये वाला। डिजिट हमने देखना है, दोनों साइड पहले कौन सा बड़ा आ रहा है वो बड़ा हो जाएगा। अब एक्सरसाइज का एग्जांपल देखो, इसमें आपको समझ आ जाएगा। देखो ये 0.5 है, 0.05 है, तो देखो पहला नंबर 0, 0 से 0 कट कर दिया, दूसरा नंबर 5 और यहाँ 0 है, तो दोनों में से बड़ा कौन सा हो गया, ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पहला नंबर 0, 0 से 0 कट कर दिया, यहाँ पर दूसरा नंबर 7 है और यहाँ पर 5 है, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, 7 वाला। यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 0 है, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, 7 वाला, क्योंकि यहाँ 0 है फर्स्ट नंबर और यहाँ फर्स्ट नंबर 7 है। अब देखो यहाँ पर पहला नंबर 1 है, तो हमने 1 से 1 को काट दिया, यहाँ भी 1 है, दूसरा नंबर 3 है और यहाँ दूसरा नंबर 4 है, तो बड़ा कौन सा हो गया, 4 वाला। तो हम इसको आगे देखना ही नहीं है, हम डायरेक्ट सर्कल कर देंगे। यहाँ पहला नंबर देखो 2 है, 2 से 2 कट कर दिया, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 3 है, तो कौन सा बड़ा होगा, 3 वाला, तो मैंने इसको सर्कल कर दिया। ठीक, फिर यहाँ 0 है, यहाँ पर 0 है, कट कर दो, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, कट कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है और यहाँ पर 8 है, तो बड़ा कौन सा हो गया, ये वाला नंबर, क्योंकि यहाँ पर 8 है और यहाँ पर कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज करना, अदरवाइज एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम इस क्वेश्चन में एक्सप्रेस एज रुपीज इन डेसिमल्स, हम इन पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करके डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन में, बुक में भी यही क्वेश्चन है, आप देख सकते हो बुक में सेम यही क्वेश्चन है, मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ आपको क्वेश्चन दिखा दिया था, तो बुक में यही क्वेश्चन आप देखो। अब इसको कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। हमें पता है कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा होता है। ठीक है, 100 पैसे, तो 1 पैसे में कितने रुपीज हो जाएंगे, सॉरी 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपी, तो 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज।
ठीक है, ये आप लिखोगे नोटबुक में, ये आप लिखोगे। अब देखो 7 पैसा है, हमें पता है 1 पैसे में 100 रुपीज होता है, तो 7 पैसा में कितने हो जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे रूल, 1 पैसा इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 रुपीज। ठीक है, तो 7 पैसा में कितना हो जाएगा, 7 पैसे में कितना हो जाएगा, 7 पैसे में हो जाएगा 7 अपॉन 100। ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो नंबर यहाँ होगा वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको उसमें डिवाइड करेंगे, मींस इसको डेसिमल में चेंज करेंगे हम। ठीक है, डेसिमल में चेंज करने के लिए हमें पता है कि 7 अपॉन 100 हो गया, तो डेसिमल में जितने नंबर ऑफ जीरोज नीचे होते हैं उतने नंबर के बाद हम न्यूमरेटर में डेसिमल डालते हैं। नीचे 2 जीरोज है तो 1 2, जिसके आगे कुछ नहीं होता वहां हम जीरो लगा सकते हैं। नीचे 2 जीरो है और हमने 2 नंबर के बाद डेसिमल डाल दिया और ये आंसर आ गया मेरा। देखो सेकंड पार्ट में 50 है, सेम इसी की तरह करेंगे, हम लिखेंगे पहले 1 पैसा इज इक्वल टू रुपीज 1 अपॉन 100। 50 पैसा है तो 50 पैसे इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 100। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 50 अपॉन 100। अब 50 अपॉन 100 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, नीचे कितने जीरोज हैं, 2, तो ऊपर 2 नंबर्स के बाद पॉइंट आ जाएगा। पीछे से गिनना शुरू करते हैं 1 2 डॉट और यहाँ 0 लगा देंगे, ये मेरा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट करेंगे, अगेन इसी की तरह है, लिखेंगे 1 पैसा इज इक्वल टू रुपीज 1 अपॉन 100। 1 अपॉन 100 235 पैसे इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 235 अपॉन 100। दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 235 ही आ जाएगा। अब इसमें पॉइंट डालेंगे, नीचे नंबर ऑफ जीरोस 2 है तो पीछे से हमेशा डेसिमल हमेशा पीछे से पुट करते हैं 1 2, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो ये तो 3 पार्ट ऐसे थे, फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ पार्ट जिसमें पैसे में था, यहाँ पर रुपीज भी और पैसे भी है, 2 पार्ट ऐसे हैं जहाँ रुपीज और पैसे हैं। तो पहले हम पैसे, रुपीज तो ऑलरेडी रुपीज है, हम पैसे को रुपीज में चेंज करेंगे, तो हम लिखेंगे 1 पैसा इज इक्वल टू रुपीज 1 अपॉन 100। 7 इसके जैसा हो जाएगा, ये 7 पैसे इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 100। ठीक है, सेम इसी के जैसे है, फिर आ जाएगा 7 अपॉन 100। फिर इसको पॉइंट में डालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.07। पीछे से पॉइंट डालेंगे 1 2 और ये नंबर ऑफ जीरोस भी 2 है। अब देखो जी 7 रुपीज था ना, इसमें प्लस कर देंगे तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस रुपीज 7। ये वाला 7 जो है ये वाला है, ये ऑलरेडी रुपीज था, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है, रुपीज को रुपीज में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, जैसे प्लस करते हैं 0.07 और यहाँ खाली 7 है, 7 के बाद पॉइंट नहीं है ना, तो 7 यहाँ आएगा और 0.00 अपने आप, क्योंकि 7 रुपीज 00 पैसा, ये पैसे हो गए, ये रुपीज हो गए, यहाँ पर तो पैसे थे तो हमने यहाँ लिख दिया पैसे की जगह पैसे, रुपीज में तो कुछ नहीं था तो 0 आ गया, अब यहाँ पर पैसे में कुछ नहीं था तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये मेरा टोटल रुपीज हो गया 7.07 रुपीज। सेम इसी की तरह इसको करेंगे, पहले 77 पैसे को कन्वर्ट करेंगे, 1 पैसा इज इक्वल टू रुपीज 1 अपॉन 100। 77 पैसे इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 77 अपॉन 100 और 77 अपॉन 100 आ जाएगा और इसको पॉइंट में करेंगे तो 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स के बाद पॉइंट आ जाएगा, 2 जीरोज हैं तो पॉइंट डाल दिया। अब इसमें 7 प्लस कर देंगे, मतलब 77 रुपीज 77 प्लस 0.77। अब देखो रुपीज और पैसे को प्लस करेंगे तो रुपीज 0.77 और यहाँ 77 है, पैसे नहीं है तो यहाँ 00 आ जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा रुपीज 77.77 पैसा। आंसर खत्म। क्वेश्चन ध्यान से करना, कहीं डाउट हो तो पूछ लेना, योर टीचर देवेंद्र कौर। और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.5 का लेकर आई हूँ। इस एक्सरसाइज में एक्चुअली हर क्वेश्चन अलग अलग है क्योंकि डेसिमल से रिलेटेड है ये एक्सरसाइज, तो हर पॉसिबल वे उन्होंने डेसिमल का क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है,
अब आप देखो इसको एक्सप्रेस करना है 5 सेंटीमीटर को, मीटर में भी कन्वर्ट करना है और किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो छोटी छोटी जो टर्म्स हैं, जो फॉर्मूले हैं, वो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। जैसे फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला रेड पेन से लिखती हूँ ताकि आपको पता चल जाए, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, ये लर्न करना पड़ेगा आपको, ये लर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। हमें 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स ये आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये भी आपको लर्न करना है, फॉर्मूला है तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सेकंड फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये लर्न करने ही पड़ेंगे आपको। अब देखो आपको इसको कन्वर्ट करना है, तो 5 पहले की तरह लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर इंटू 1 मल्टीप्लाई 5/100 मीटर, जितना निकालना उसी से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब इसको पॉइंट में 5/100 हो गया, और इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो पिछले क्वेश्चन 2 में मैंने बताया था आपको, जितने नंबर ऑफ जीरोस नीचे होते हैं उतने के बाद पॉइंट लग जाता है 5, और यहाँ पर एक और नंबर नहीं है तो मैं अपने आप से 0 लगा लूंगी और 0, ये आ गया मेरा मीटर। तो इसमें तो कन्वर्ट हो गया, अब सेकेंड पार्ट करेंगे हम इसका किलोमीटर में, 5 सेंटीमीटर को ही किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम अगेन फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, फॉर्मूले का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है, MTS 1000 मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तो मुझे किलोमीटर में ही चेंज करना है, ये देखो लिखा हुआ क्वेश्चन में किलोमीटर में, और ये सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है मीटर, तो मेरे पास ऑलरेडी मीटर की वैल्यू है ये वाली, क्योंकि ये भी 5 सेंटीमीटर में ही हमने कन्वर्ट करा था, तो ये मीटर की ऑलरेडी वैल्यू है। मैं इसको यहां पर लिख दूंगी 0.05 मीटर इक्वल्स टू 0.05 मल्टीप्लाई बाय 1/1000, ये 1 ये वाला होता है, ठीक है, 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.005/1000। अब देखो यहां पर 2 के बाद तो ऑलरेडी 0 पॉइंट है हमारे पास, तो 2 तो हम छोड़ देंगे, और हमें कितने के बाद 3 नंबर और चाहिए हमें, तो 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3, और यहां पर 0 हो गया, इज इक्वल टू में ये आंसर आया मेरा। ये देखो यहां पर 2 के बाद, 2 से पहले ऑलरेडी 0 थी, यहां पर हमारी ऑलरेडी 0 थी, पॉइंट था 0 के बाद, तो हम इस पॉइंट को नहीं गिनेंगे, इसके बाद वाले 3 नंबर्स पे 0 लगाएंगे, 1, 2, 3, ये बाद वाली 3 जीरो के बाद हमने नंबर लगाए, क्योंकि 3 जीरोस के बाद पॉइंट लगना था, तो 3 जीरोस के बाद पॉइंट लगाया है, ये 2 में ऑलरेडी पॉइंट था तो इसको मैंने काउंट नहीं करना, ठीक है। ये हो गया एक्सरसाइज 2.5 का, जो थर्ड का सेकेंड पार्ट है वो है 35 mm को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना है, मीटर में भी कन्वर्ट करना है, और किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना है। इनके जो फॉर्मूलेज होंगे वो एज इट इज लर्न करना पड़ेगा, उसमें कोई इजी वे नहीं है, फॉर्मूले के साथ ही सॉल्व होगा तो उसमें कोई इजी वे भी नहीं है, तो इसलिए जैसे जैसे स्टेप लिखूंगी वैसे वैसे ही उसको प्रैक्टिस कर लेना, तभी आपको समझ आएगा। देखो 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 1 mm मिलीमीटर, mm का मतलब मिलीमीटर, इज इक्वल टू 1/10 cm, तो 35 mm है, तो 35 mm इज इक्वल टू 1 × 35/10 cm। ये आपके दोनों फॉर्मूले हैं, इसको आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा, इसमें आपका कोई वो नहीं है, ठीक है। बाकी फॉर्मूले में मैंने वैल्यू डाल दिया, तो ये आ जाएगा 35/10 cm। तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1,
तो वन के बाद पॉइंट आएगा और पॉइंट हमेशा पीछे से डलेगा, तो यहाँ पर आ गया, ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट होगा। अब 35 mm को मीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो 100 cm इज इक्वल टू 1 meter, 100 cm इज इक्वल टू 1 meter, तो सेंटीमीटर में तो ये कन्वर्ट हो गया। इसी सेंटीमीटर को मैं यहां लिख दूंगी 3.5 cm इज इक्वल टू, सॉरी इसको मीटर नहीं लिखा हमने, 1 meter, 1 cm इज इक्वल टू 1/100 meter। तो ये यहां लिखेंगे 3.5 cm इज इक्वल टू 1 × 3.5/100। अब देखो 3 point के बाद एक नंबर है, इसको तो हमने गिनना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट के बाद वाले नंबर्स में हमने दो और ऐड कर देने हैं। ठीक, तो 3.5 था, तो ये 1 तो है, इसके बाद एक और ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 100 इक्वल्स टू 1 point के बाद कितने चाहिए, सॉरी यहाँ एक के बाद पॉइंट था, तो 1 2 1 2, पॉइंट वाला नंबर तो गिनना ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया, ये इज इक्वल टू, ये आंसर आया हमारा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पॉइंट था तो इसको नहीं गिनना, दो नंबर के बाद पॉइंट चाहिए तो हम 2 number के बाद ही पॉइंट लगाएंगे। ठीक, थर्ड पार्ट है हमारा किलोमीटर में चेंज करना है। ठीक, 1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 meter इज इक्वल टू 1/1 kilometer और 1 meter इज इक्वल टू 1/1000 kilometer। अब ये मीटर में मेरा कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ये मीटर था, इसको यहां ले आएंगे 0.035 × 1/1000, यही वाला नंबर यहां आ जाएगा। तो अब हमें बताना है, 3 तो ऑलरेडी हैं, इनको नहीं गिनेंगे, इनके बाद हमने 3 number के बाद पॉइंट डालना है। तो ये देखो 530, इसको भूल जाओ, 3 number और चाहिए हमें, 1, 2, 3 और 0। जिनके पास पॉइंट ऑलरेडी होगा उन नंबर्स को नहीं काउंट करेंगे, उसके अलावा नंबर्स को काउंट करना है। ठीक, ये आ गया मेरा आंसर, थोड़ा हौच पौच हो गया लेकिन मैंने लिखा साफ साफ है, आप इसको क्लियर कर लेना, अगर कहीं डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट थे, डन हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।